पिछले हफ्ते हमने देखा था बिग बॉस के घर के अंदर एलिमिनेशंस नहीं हुए थे, तो क्या इस हफ्ते भी नहीं होने वाला है कोई भी एलिमिनेशन? सामने आ रही है एक बड़ी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं विद प्रूफ कि क्या कुछ है हो रहा। कुछ फैंस आई एम श्योर इस बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लग रहा है कि शायद उनके ही मोबाइल में कोई ग्लिच आ गया है। तो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। आप देख रहे हैं फीफा फूज में वेदांगी करणिक, और बता दें आपको कि बिग बॉस के हर हफ्ते के नॉमिनेशंस जो है इस साल हमें थोड़ा सा डाइसी दिखाई दे रहे हैं। जहां पे पहले हफ्ते ठीक है चलो कोई नहीं गया, दूसरे हफ्ते सुजिता चली गई, तीसरे हफ्ते मान्या चली गई, जबकि वो दिवाली वीकेंड था फिर भी मान्या आउट हो जाती है। पिछले हफ्ते 7 लोग नॉमिनेटेड थे लेकिन कोई भी घर से बेघर नहीं हुआ था, और इस हफ्ते नॉमिनेटेड है 3 सदस्य, यानी कि सुम्बुल है, अर्चना है और सौंदर्या है। अब यहाँ पे जहाँ हम देख पा रहे हैं कि कल के जब नॉमिनेशंस हुए तो वोटिंग लाइंस खुल चुकी है, ऐसा नोटिफिकेशन या आप कह सकते हो जो स्क्रोल था नीचे का वो हमें टेलीविजन पे मोबाइल स्क्रीन पे जहाँ पे भी आप देखते हैं बिग बॉस वहाँ पे दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप जियो के ऐप पे जाओगे या फिर वूट के ऐप पे जाओगे जहाँ पे वोटिंग करनी होती है तो वहाँ पे वोटिंग का ऑप्शन दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर आप वूट पे जाओगे तो आपको दिखेगा अरे भाई वोटिंग का ऑप्शन नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हीं के मोबाइल में कोई ग्लिच है इसीलिए नहीं हो पा रहा है, बट लेट मी टेल यू गाइज किसी के यहाँ पे भी ना जियो ऐप पे ना वूट ऐप पे वोटिंग का कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हफ्ते वोटिंग लाइंस बंद है, क्या इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेशंस नहीं होने वाले हैं, इसीलिए क्या वोटिंग लाइंस बंद रखी गई है? क्योंकि वोटिंग लाइंस टेक्निकली थर्सडेज को दोपहर के 2 या 3 बजे के आसपास तक चालू रहती है, और क्योंकि उसके बाद ऑफकोर्स शुक्रवार की वार की शूटिंग होने वाली होती है, इसीलिए थर्सडे दोपहर 2 या 3 बजे तक लाइन शुरू होती है वोटिंग की, उसके बाद वोटिंग लाइंस बंद हो जाती है। लेकिन हमने देखा कि कल के दिन ट्यूसडे के दिन था यू कैन से वोटिंग लाइंस ओपन होने का थिंग, लेकिन वोटिंग लाइंस कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं वोट ओपन होने के बाद, जिसके चलते एक ये बड़ा सवाल दिमाग में आ रहा है कि क्या इस बार भी कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा या फिर एलिमिनेशन दिखाया जाएगा कंटेस्टेंट्स को कि भाई ये शख्स एलिमिनेट हुआ है, लेकिन वो एलिमिनेट नहीं होंगे, वो जाएंगे सीक्रेट रूम में, 1-2 दिन सीक्रेट रूम में रहेंगे, और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था अगले हफ्ते वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने के चांसेस एकदम सुपर्ब है, जिसके चलते वाइल्ड कार्ड के साथ साथ ये एलिमिनेटेड सो कॉल्ड एलिमिनेटेड हुआ हुआ सदस्य जो सीक्रेट रूम में है वो सीक्रेट रूम से बाहर आ जाएगी अलॉन्ग विथ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। सो ये है दो पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी 1 जैसे मैंने कहा एलिमिनेशन ही नहीं, सेकेंड पॉसिबिलिटी सीक्रेट रूम में जाएंगे और सीक्रेट रूम से 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे अलॉन्ग विद ऑफकोर्स द वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। इस पर आपकी क्या कुछ है राय, क्या कुछ आपको कहना है, व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है, क्योंकि वोटिंग लाइंस खुली ही नहीं है तो एलिमिनेशन क्या होगी? हाँ, एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जैसे हमने सीजन 15 में देखा था जब डोनल और विधि का एलिमिनेशन हो गया था, केसरिया आई थिंक सीजन 13 में वो आउट हुए थे, हितेन तेजवानी भी आउट हुए थे उनके सीजन में, सभी लोगों ने घर के लोगों ने वोट करके, तो क्या ऐसा हो सकता है कि थर्ड ऑप्शन इन तीनों के लिए घर वाले ही वोट करेंगे और किसी को बाहर निकालेंगे? ये 3 पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी आपको लगती हो सकती है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स।